मेरी हॉस्पिटल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए मैं बाहर ही इंतज़ार करता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि सब कुछ ठीक हो जाए। पर शायद मेरी प्रार्थना भी मेरी तरह कमज़ोर थी। हेलो, व्हाट? अपने सबसे अच्छे दोस्त की मौत की खबर सुन के मैं बिखर सा गया और पूरी रात यूं ही सड़कों पर भटकता रहा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी तो और भी मुश्किलें मेरे सामने खड़ी थी। वो बदमाश उस आदमी को लूट रहे थे और मैं चाह कर भी उसको बचा नहीं पाया। पहले अपने दोस्त को और फिर एक निहत्ते आदमी को बचा पाने की नाकामी से मैं टूट गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बेबस और कमज़ोर हूँ। बस इसीलिए मैंने इतनी दूर यहाँ आने की सोची। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, बहुत बुरा हुआ, पर क्या कर सकते हैं, ये तो जीवन का एक हिस्सा है। यहाँ पर एक माना हुआ मंदिर है, आप वहाँ जाकर दर्शन कर लो, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। उसके कहने पर मैं मंदिर गया। इतने सालों बाद मंदिर में जाने से मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और इसके लिए मैं उस अनजाने आदमी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। उसके कहने पर मैं कई दिन के लिए वहाँ रुक गया। वहाँ समय बिताने में मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे एक शांति थी, एक सुकून था, जो आज तक मैंने कभी एहसास नहीं किया।
पर यहाँ भी मेरी मुश्किलों का अंत नहीं हुआ था। एक दिन मुझे पता चला कि वो आदमी जिसने मेरी इतनी मदद की, उसको बहुत तेज़ बुखार है और इस वजह से वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। एक बार तो मैं अपने दोस्त को बचाने का मौका खो चुका था, लेकिन ये मौका मैं आज नहीं खोना चाहता था। इसलिए मुझे पूरी कोशिश करनी थी कि मैं उस आदमी को फिर से पहले की तरह अच्छा और स्वस्थ बना सकूं। भगवान ने मेरी सुन ली और वो आदमी फिर से अच्छा हो गया और उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। पता भी नहीं चला और जाने का समय भी आ गया। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे कल ही आया था, पर इतने कम समय में जो कुछ भी मैंने देखा और सीखा वो शायद ही मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भुला पाऊँगा। बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बदलाव महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, एक बदलाव जो शायद मुझे एक सुनहरे कल की तरफ ले जाएगी, एक सुनहरे कल की तरफ। आज पता चल रहा है कि जिंदगी सिर्फ लेने का नाम नहीं बल्कि देने का नाम है। जो आदमी खुले हाथों से हमेशा देने के लिए तैयार है, सही मायने में तो वही आदमी सबसे ज्यादा खुश है। शायद यही है सही समझ। I'm not afraid to die.
या फिर से मिलेंगे दुराहे खबर क्या क्या पर?